वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मौसमी और आप लोग देख रहे हो माय लाइफ माय जर्नी। आज है वेडनेसडे और अभी जो टाइम हो रहा है रात का 8:30 हो गया है। 8:30 से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भले चंगे होंगे, हम लोग भी ठीक है। और आज मेरा मायका का लास्ट डे है। मैं सुबह से सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊँगी लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि सब लोगों से बातें करते करते यूँ ही टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। तो आज मैं रात से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ। आप लोगों को जैसे पता है मैं मायके पे आई हूँ, तो कल मैं आसनसोल चली जाऊँगी। सुबह उठ के 5 बजे हमारा निकलना होगा, तो इसलिए मैं पैकिंग कर रही हूँ। हे गाइस, अभी टाइम हो रहा है रात का 9:30 हो गया है और मैं नीचे आ गई हूँ खाना खाने के लिए। और डिनर पे मम्मी क्या क्या बनाई है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इधर देखिए नानी घर पे झाड़ू दे रहे हैं और बाबू अभी फ्रिज खोलेगा क्योंकि फ्रिज मम्मी ने लॉक करके रखा है। बहुत ही बदमाशी कर रहा है ये, इसीलिए क्या तो चलिए मम्मी क्या क्या बनाई है खाने पे आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। एक बार मामी आज खाने पे बनाई है राइस और उसके साथ खसखस, हम लोग बंगाली में इसे पोस्त तो बोलते हैं, और ये पत्ता गोभी का सब्जी बनाई है। और मामी अभी ऑमलेट बना रही थी तो मैं इधर सबके लिए खाना परोस रही थी। और इधर देखिए आप लोगों को हमारा गैस सिलेंडर दिख रहा होगा क्योंकि मामी का स्लैब जो है ना वो अभी तक रेडी नहीं है, इसीलिए ऐसे ही आप लोगों को दिख रहा होगा। और हम लोग मामी को बोल रही थी कि आज एकदम लाइट खाना खाएंगे क्योंकि कल सुबह 5 बजे हम लोग निकलेंगे, तो जल्दी जल्दी उठना है इसीलिए। हे गाइस, तो ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग और अभी टाइम हो रहा है 5 AM। आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और इधर देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, पैकिंग भी हो गया है। हम लोग अभी जस्ट निकले हैं घर से और अभी देखिए बाहर का नज़ारा कितना अंधेरा अंधेरा है। और हस्बैंड अभी ड्राइव कर रहा है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। और इधर देखिए बाबू भी उठ गया है। हम लोगों को मैं एक बार दिखा दी हूँ बाहर का नज़ारा, बहुत ही बुरा हालत है। आप लोग देख सकते हो कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना कुहासा छाया हुआ था बाहर। सिर्फ मतलब जहाँ पर नज़ारा हल्का दिखा था उसके बाद कुछ भी नहीं दिख रहा था, और जहाँ पर थोड़ा बहुत भी या घर पर दिखा था तो वहीं सब दिख रहा था। लेकिन ये बहुत ही आने में हो रहा था कि हे गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9 AM और हम लोग अभी आ गए हैं नीचे। हस्बैंड अभी कार पार्किंग में खड़े थे तो कार पार्क कर रहा था और मैं आ गई थोड़ा बहुत सामान लेके ऊपर। और बेटू अभी देख रहे हैं, हम लोग बैठ बैठ के टीवी देख रहा है। तो अभी मैं मम्मी ने जो जो सामान दिया है तो फ्रिज के अंदर मैं रख दूँगी वेजिटेबल्स को। और अभी देखिए ये आप लोगों को थोड़ा बहुत पैक दिख रहा है लेकिन और भी है ज़्यादा जो अभी नीचे है, हस्बैंड लेके आ रहा है। तो चलिए पहले मैं फ्रिज को एक घर जाने के पहले तो मैं क्लीन करके गई थी, फिर एक बार क्लीन कर रही हूँ, नहीं तो इस फ्रिज के अंदर एक काला काला टाइप जो स्पॉट होते हैं ना वो हो जाते हैं। और मामी ने देखिए पोटैटो ऑनियन और उसके साथ जिंजर गार्लिक और ये थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स दिया है, तो ये मैं पहले फ्रिज के अंदर रख दूँगी। और अभी जो ऑनियन और पोटैटो दिया है ना वो सब मैं अलग कर लूँगी। तो ये देखिए, और ये जो एक कंटेनर आप लोग देख रहे हो यहाँ, इस पे दिया है घी, हमारा घर का घी, बहुत ही टेस्टी होता है और इसका स्मेल बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए मैं पहले ये रखती हूँ और उसके बाद मुझे क्लीनिंग डस्टिंग का भी काम करना है। और 2-4 दिन नहीं थे तो समझ सकते हो आप लोग कितना सारा डस्ट हो जाते हैं घर पर। और बेटू को मैं एक जगह पर बिठा दी हूँ क्योंकि ये
नहीं तो बदमाशी करेगा और इधर उधर घूमेगा, हमारा काम नहीं होगा। और यह जो अब लोग एक रेड कलर का बैग देख रही हो, यहाँ पर कुछ साड़ी मामी ने दिया है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी मामी से, घर मामी के घर से क्या क्या मैं लेके आई हूँ और भाई दूज में क्या क्या भाई मुझे गिफ्ट दिया है। लेकिन इस ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं करूँगी, नहीं तो ये ब्लॉग ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। और आप लोग वैसे भी वीडियो नहीं देखते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करना। तो चलिए पहले मैं ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद बातें करती हूँ आपसे। गाइस तो अभी जो टाइम हो रहा है सुबह का 10:30 हो गया है और मेरा क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ काम हो गया है घर का। और दो चार दिन घर पे नहीं थी तो इतने सारे डस्ट हो गया था घर पे, वो सब मुझे क्लीन करना पड़ा और मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दबाजी में थी मैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ वहीं से मैं क्या लेके आई हूँ। ये देखिए, ये एक डल मैं लेके आई हूँ। ये हमारे गाँव पे जो मेला वगैरह होते हैं ना, वैसे हम खरीद के शादी के पहले खरीद के रखे थे, अभी मैं जाके लेके आई हूँ। सोनू को ना बहुत ही पसंद आया है ये। और ये दो ठो भी मैं लेके आई हूँ, ये देखिए, ये देखिए कितना क्यूट है ना, दिखने में बहुत ही सुंदर है। और जब हम लोग मेला वगैरह जाते थे, मैं भाई ये सब चीज बहुत सारे खरीदते थे, डॉल खरीदते थे और ये वाला भी खरीदते थे। और जो एक होते थे ना वो मतलब वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब जो मिट्टी का रहता है ना, वो सब हम खरीदते थे। तो चलिए ये तो मैं लेके आई हूँ, बेडू को भी बहुत पसंद आया। और मैं यहाँ पर रखूँगी ये जो फ्लावर वाला सब लोग दिख रहे हैं ना, ये तो दोनों साइड में ये दोनों रखूँगी मैं। तो चलिए बहुत सारे बातें हो गया है और अभी मैं किचन में जाऊँगी खाना पकाने के। हे गाइस, तो अभी मैं किचन पे जा रही हूँ और हस्बैंड का आज ड्यूटी है 2 बजे से, सुबह था लेकिन उसका तबीयत थोड़ा ख़राब था आने के बाद तो इसलिए नहीं गया, और 2 बजे से जाएगा। तो अभी मैं जल्दी जल्दी खाना पका लेती हूँ और आज खाने पे मैं बनाऊँगी दाल लौकी का साग और उसके साथ आलू जोगा बनाऊँगी राइस का। सही है, आज का हमारा सिंपल सा लंच, आज कुछ खाने का मन नहीं है इसलिए सिंपल सा ही बनाऊँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी पका लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। Thank you.
गाइस, तो किचन का काम मेरा कंप्लीट हो गया है और बेटू और मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रहा है। आज बहुत जल्दी जल्दी सुबह हम उठ के फिर घर पे आए और उसके बाद दीदी ने सारे काम, तो चलिए मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।